नंदीश्वरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं का गणित पढ़ेंगे। आज जो नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं उसका नाम है त्रिकोणमितीय फल। इस पार्ट को, इस अध्याय को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ये 12th क्लास का बेस बनेगा, ठीक है ना। इसके सारे फॉर्मूले जो भी आएँ उसको अच्छी तरह से नोट कर लें और कंटेस्ट कर लें, ठीक है ना। तो आज हम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमितीय फलन क्या है, त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति को हम जानते हैं। त्रिकोणमिति क्या होती है? गणित की वह शाखा जिसमें त्रि माने क्या होता है, तीन, कोण यानी कोण और मिति यानी मापन। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का मापन किया जाता है या तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है। त्रिभुज की गणित, त्रिकोणमिति क्या हुई? गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के कोणों का या भुजाओं का अध्ययन किया जाता है, मापन का अध्ययन किया। मिति माने क्या होते हैं, मापन। तो गणित में क्या करते हैं, त्रिकोणमिति में क्या करते हैं, अपन इसमें कोणों का मापन करते हैं, है ना। कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं, भुजाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति में सबसे पहले कोणों का मापन करते हैं। तो कोण कितने होते हैं, कोण क्या है, ठीक है ना। तो इसको जाने, जैसे अपन जाने कि जैसे इसमें ओ एक्स आपकी प्रारंभिक रेखा, ओ एक्स क्या है आपकी प्रारंभिक रेखा, और इसमें ओ पी आपकी क्या है, परिक्रामी रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा है, परिक्रामी। तो इसमें धनात्मक कोण कैसे बनता है, जैसे अपन एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी ओ एक्स से प्रारंभ करके यानी ये ओ पी रेखा घूमने वाली रेखा जो है वह तो कैसे चले, ओ पी एंटी क्लॉकवाइज चली, वामावर्त दिशा में चली। एंटी क्लॉकवाइज जानते हैं, घड़ी आपने देखी होगी, घड़ी की जो यू घूमती है उसके विपरीत दिशा में अगर बनता है तो उसे अपन वामावर्त कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वामावर्त बोलते हैं। तो धनात्मक कोण बनता है, यानी कि ऊपर की ओर जो बनेगा वह कोण धनात्मक होगा। यानी अगर अपन घड़ी को देखें, घड़ी की उल्टी दिशा में चले तो कोण धनात्मक बनता है, अगर घड़ी की दिशा में चले क्लॉकवाइज चले दक्षिणावर्त कहते हैं उसे, तो कोण ऋणात्मक बनता है, नीचे की ओर बनता है। तो घूमने वाली रेखा अगर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर घूम गई तो जितना घुमाव हुआ, गुणन हुआ उसका, वह उसका मापन कर लेंगे, माप लेंगे कितना माप हुआ, वह ऋणात्मक कोण कहलाएगा। अगर ऊपर की ओर चलेंगे यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो वह कैसा होगा, धनात्मक कोण होगा। कोणों को मापने की दो पद्धतियाँ ज़्यादातर प्रचलन में, एक तो होती है सैष्टिक पद्धति और एक होती है वृत्ति पद्धति। यानी कोणों के मापन की दो पद्धतियाँ लागू हैं। पहली है कौन सी, कोण सैष्टिक पद्धति। सैष्टिक पद्धति में क्या करते हैं, एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। एक समकोण कितने के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर। एक डिग्री कितने में होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। एक डिग्री कितने के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। और एक मिनट आपका कितने के बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है। इसमें मापन चलते हैं, इसमें सैष्टिक पद्धति में। और दूसरी पद्धति होती है आपकी जो लागू होती है वह है वृत्ति पद्धति। कौन सी, वृत्ति पद्धति। तो कोण मापने का मात्रक इसमें रेडियन होता है। इसमें कोण मापने का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। जैसे अगर अपन देखें, अगर अपन ने आर त्रिज्या का एक वृत्त लिया, इसमें क्या लिया, आर त्रिज्या का एक वृत्त लिया जिसमें ओ त्रिज्या आर हो जाएगी, और इसी त्रिज्या का ए बिंदु से अपने चाप काट दिया, वृत्त पी पर चाप काटा, है ना, ए की एक चाप हो जाएगा, इसकी भी माप आर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो कोण बनेगा एक रेडियन क्या होता है और एक रेडियन क्या होगा, 180/π। एक रेडियन क्या हो जाएगा, 180/π के बराबर होगा। एक डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बटे 180 रेडियन। ये आपको फॉर्मूले दिमाग में रखना है। जैसे इसको बदल लेके आए तो रेडियन को अंश में बदलिए, अंश को रेडियन में बदलिए। जैसे आपको एक प्रश्न है, ठीक है, ध्यान देंगे। जैसे 120 डिग्री को, 120 डिग्री को चेंज करना है, बंद कर। जैसे प्रश्न है अपना 120 डिग्री, ठीक है ना, 120 डिग्री को अपन इकाई में बदलना है, रेडियन में बदलना है।
टाइमर में दे देंगे। तो अपने मालूम है क्या 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है, क्या होता है पाई रेडियन, ठीक है ना। तो एक डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन हुआ कि नहीं हुआ। अपने किसको बदलना है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 120 गुणे पाई बटे 180। अब सॉल्व करेंगे इसे, तो ये सॉल्व करेंगे 0 0 क्रॉस हो गया 6 2 12 6 18, तो ये क्या हो गया 2π/3 रेडियन, क्या हो जाएगा 2π/3 रेडियन हो जाएगा। यानी इस प्रकार से अपन डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है समझ में आई। अब जैसे मान के चलो आपसे कहेंगे 90 डिग्री को बदलो, अगर 90 डिग्री को बदल दोगे तो क्या करोगे 90 गुणे पाई बटे 180, तो 90 दूनी 180 यानी पाई बटे 2 रेडियन हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया पाई अपॉन 2 रेडियन। अगर आपसे कहा है 270 डिग्री को बदल लो तो क्या हो जाएगा 90 गुणे क्या हो जाएगा 90 का है 270 होनी ना भाई, 270 को बदलना है 270 गुणे पाई बटे 180। सॉल्व कर दो कट जाएंगे 9 से 9 दूनी 18 9 27 जीरो से जीरो, यानी क्या हो गया 3π/2 हो गया, क्या हो गया 3π/2, समझ में आई ना बात। इस प्रकार से अपन डिग्री को काय में चेंज कर सकते हैं, रेडियन में बदल सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि रेडियन को डिग्री में बदलिए, रेडियन को डिग्री में बदलना है, जैसे अपन के पास 3π/4 है, क्या दिया हुआ है अपन को 3π/4, 3π/4 को बदलना है, काय में बदलना है 3π/4 को बदलना है डिग्री में, इसको 3π/4, इसको 3π/4 को काय में बदलना है अपन को रेडियन में दिया है, क्या दिया है 3π/4 रेडियन दिया है। और इसको अंश में बदलना है, इसमें बदलना है अंश में, तो अपने मालूम है कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है, पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन कितने के बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, एक रेडियन बराबर होगा 180 बटे पाई, 180 बटे पाई हो जाएगा। अपन बदलना किसको है 3π/4 रेडियन को बदलना है, 3π/4 रेडियन को बदलना है काय में डिग्री में, तो इसमें क्या करोगे 180 बटे पाई का गुणा कर दोगे काय में 3π/4 में, पाई से पाई क्रॉस हो जाएंगे। अब 4 का भाग दे तो 4 × 16 4×5 = 20 गुणा कर 45 × 3 तो क्या हो गया 5×15 = 1 3×12 = 13 135 डिग्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा 135 डिग्री, समझ में आई ना। इस प्रकार से अपन ने डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में बदलना सीखा। इस प्रकार के सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एक प्रश्न है, ध्यान दें, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक दोलायमान लोलक है, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक दोलायमान लोलक क्या है, दोलायमान दोलक है, इसका एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है, क्या 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है, किसमें ज्ञात करना है रेडियन में, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई कितनी है 21 सेंटीमीटर है। सिंपल सा प्रश्न है ना, अब इसमें क्या करना है, क्या दिया हुआ है पहले तो ये देख लो, यानी कि आपको लंबाई दी हुई है, कितनी दी है लंबाई, कितनी दी है इसमें अपन को 75 सेंटीमीटर, तो आर क्या हो जाएगा 75 सेंटीमीटर हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा 75 सेंटीमीटर होगा, आर बराबर क्या हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, और इसके बाद चाप की लंबाई यानी कि इसके नोक द्वारा बनाए गए कौन, जैसे दोलायमान मैंने अभी बोला था कि ये लोलक है ये, अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो अपने मालूम है कितनी है 75 है, 75 सेंटीमीटर, ठीक है।
कितनी होगी 75 सेंट। और यहाँ कौन सा बन रहा है ये वाला, अब इसकी जो लंबाई थी वह क्या थी 21 सेंटीमीटर थी, कितनी थी 21 सेंटीमीटर। अब इसके बीच जो कोण बन रहा है वह हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो केंद्र पर बना कोण ज्ञात करने के लिए आर बराबर 75 सेंटीमीटर हो गया, और उसे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई को अपन एस मान लें, तो चाप की लंबाई एस बराबर क्या हो जाएगी, चाप की लंबाई एस बराबर होगा 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया है 21 सेंटीमीटर केंद्र पर बना कोण। तो अपन निकालना क्या है, केंद्र पर बना कोण ज्ञात करना है। केंद्र पर बना कोण क्या होता है सूत्र इसका, चाप बटे त्रिज्या, क्या होता है चाप बटे त्रिज्या। तो चाप क्या है इसमें 21 सेंटीमीटर की, और त्रिज्या कितनी है 75 की, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, कट जाएगा कितने से कटेगा 3 से 20 सात 21 दूनी 6 5 15 7 25 आ गया। ये काय में आएगा रेडियन में, काय में आएगा ये रेडियन में आएगा। वृत्ति कोण बन रहा है कितनी बन रहा है, वृत्ति कोण हमेशा रेडियन में आती है, ठीक है। 7 25 रेडियन हो गया। प्रश्न है किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में, किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, सबसे बड़ा कोण 75 अंश का है, सबसे बड़ा कोण 75 अंश का है, त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान रेडियन में ज्ञात करना, सबसे छोटे कोण का मान रेडियन में ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लिख लेते हैं त्रिभुज के कोण, एक तो अल्फा माइनस बीटा मान लें, और एक मान लें अल्फा, और एक और मान लें अल्फा प्लस बीटा। ये अपन ने कोण मान लिया कि श्रेणी में समांतर श्रेणी में, ठीक है ना। और इनमें अंतर एक सा रहेगा, समांतर श्रेणी में दो कोणों का अंतर क्या होता है समान होता है। अपने बाद में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो अपन ने इसको मान लिया अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा समांतर श्रेणी में लिखे चले। अब अपने बाद में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया 180 अंश हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों पर योग 180 अंश होता है, तो बीटा से जब बीटा क्रॉस हो जाएगा तो अल्फा बराबर क्या हो गया 180, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 60 अंश, अल्फा बराबर क्या हो गया 60 अंश हो जाएगा, अल्फा 60 अंश हो गया। अब त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या दिया 75 अंश, तो अपन त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या दिया, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कितने अंश का दिया हुआ है, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कितने अंश का दिया हुआ है, हमको 75 अंश का दिया हुआ है। अब उसमें सबसे बड़ा कोण अल्फा प्लस बीटा जा रहा है, क्या जा रहा है अल्फा प्लस बीटा। अब उसमें क्या हो जाएगा बीटा बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 75 माइनस अल्फा, अल्फा का मान कितना निकला था अपना 60, तो बीटा बराबर क्या हो गया 75 माइनस 60, यानी कितना हो गया 75 में 60 जाए कितने बचेंगे 15 बचेंगे, 15 डिग्री बीटा हो जाएगा, बीटा निकाला है। अब अपने क्या निकालना है, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण निकालना है, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण निकालना है, क्या निकालना है त्रिभुज का सबसे छोटा कोण निकालना है। क्या थे लाख रुपये हमने कैसे करो नहीं हम तो दूर बैठे थे अपनी आँखें है ही यार खराब हो गया सर कैसे रुपया 8000 मोबाइल लगाओ।